मेरा गर्मा गर्म खाना, चोपड़ी हुई रोटी, मिक्स्ड वेजिटेबल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मेरा हमज़ा जा रहा है ट्रिप पे और हम हैं बहुत उदास। पता नहीं कैसे टाइम गुजरेगा इसके बगैर। क्या कर रहे हो पागल हो? देखें अपना बैग आगे ही रख रहा है, मैं पीछे रखती। ये है इसका सूटकेस। ओह माय गॉड। और ज़ियान ने अपना ही रोना डाला हुआ है कि उसने हमज़ा के साथ ट्रिप पे जाना है, कि हमज़ा अकेला क्यों फन करे। हाय अल्लाह, हमज़ा सीट बेल्ट लगाओ। ज़ियान का ये रोल है कि उसने हमज़ा के साथ ट्रिप पे जाना है, एंड ऑब्वियसली ही कांट। हमज़ा बहुत एक्साइटेड है और मैं उदास हूँ क्योंकि हमज़ा जा रहा है। मैं कैसे सोऊंगी हमज़ा के बगैर? हमज़ा तो आज इतना एक्साइटेड था कि सुबह सुबह उठ के तैयार हो के अपना बैग लेके सब बैठा हुआ था कि बस फटाफट से हम स्कूल चले जाएँ। बट ऑब्वियसली जाना तो टाइम पर ही था, लेकिन एक्साइटमेंट उसकी लेवल की थी। ज़ियान बस मैं रखाऊंगी, आप जाओ, आप अंदर जाओ। ओके। बच्चों के सूटकेस जो थे वो डिफरेंट जगह पे ड्रॉप करने थे, ताकि जब बस आए तो स्कूल वाले इजीली सूटकेसेस को बस में लोड कर सकें। तो इसलिए उस जगह पे ड्रॉप करने थे ताकि बस के पास पास नहीं हो सूटकेस। इसलिए सारे माँ बाप ने अपने बच्चों के सूटकेस लेके जा रहे थे वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए। अब बस मैं घर वापस आ गई हूँ क्योंकि आज हमने जाना है मेरी एक आंटी की तरफ भी। उन्होंने हमें बुलाया हुआ है ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, हमें मामा को बुलाया हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं घर जाती हूँ क्योंकि हमज़ा की बस को अभी जाने में आधा घंटा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मैं घर आती हूँ, थोड़ा सा तैयार होती हूँ, एंड देन आई विल गो बैक उसकी बस को बाय बाय करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे यही होता है कि जब बच्चे ट्रिप्स पे जाते हैं तो सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो वहाँ पर वेट करते हैं बस का। जब बस चले जाती है वो बस को बाय बाय ऐसे ऐसे करते हैं, एंड देन वो वापस घर आते हैं। मामा उठ गई? तो अगर आप अज़र चला गए? अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो खा ले, क्योंकि मैंने 9:30 हमज़ा की बस ने जाना है, तो मैंने उसे बाय बाय करने के लिए जाना है। ओके। और सिमकी खाला का मैसेज आया था कि अपना हेयर ब्रश वगैरह ये चीज़ें ना रखना, वो उन्होंने ऑलरेडी ली हुई हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपने बालों को स्ट्रेट करने लगी हूँ, क्योंकि कल मैंने शावर लिया था और शावर लेते ही मैंने गीले बालों को ही बांध लिया था, तो ये बड़े अजीब से हुए हुए हैं। तो मैंने स्ट्रेट कर लूँ, फिर स्ट्रेट करती हूँ, तब भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा। मामा की थोड़ी सी पैकिंग उनके साथ करवाऊँगी क्योंकि उन्होंने अब 2-3 दिन सिमकी खाला की तरफ रहना है, एंड देन मैं जाऊँगी हमज़ा को बाय बाय करने के लिए। बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं, थोड़ा सा ब्लशन वगैरह भी लगा ली है। बस अब मैं जा रही हूँ स्कूल, फिर वापस घर आती हूँ, मामा को लेती हूँ, और देन वी विल गो। आ गई हूँ, बहुत टाइम लगा बस को, अम्मा बस ही नहीं आ रही थी। सारे माँ बाप उधर खड़े, फिर उन्होंने चाय कॉफियाँ देनी शुरू कर दी कि सब वो पिए क्योंकि बस ही नहीं आ रही थी। आप पूरी रेडी हैं? कितनी प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। फाइनली हम निकलने लगे हैं, मामा तो निकल के अपना बैग पकड़ के ये देखें खड़ी हैं। मामा जा रही हैं आप मुझे छोड़ के,
है, दो दिन में आ जाऊंगी। एक दो दिन में आना है आपने वापस ही, है ना? आप उधर जाके बदल जाए। नहीं नहीं, श्योर है ना? हाँ। तस्वीरों के चक्कर में नहीं, मैं क्या करती अब अगर उसको वहां पे सब बस ही नहीं आई तो मैं क्या करती? टाइम लगा ना उसमें, सिंपली बोला तो अभी तक आई नहीं है, पहुंचने वाली होंगी जब मैंने उन्हें फोन किया था। चले आ जाए। हाय मामा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तीने क्या ना? मैंने कहा ना, लो क्या काम नहीं करते? बुखार में भी उठकर हम तो सारे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमकी खाला, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? कढ़ाई वाली, हाँ आपने ऐसे ही बनाती थी? आपने आपकी शादी से पहले वाले ऐसे ही नहीं थे जो आपने खुद बनाए हुए थे? क्या मतलब आंटी? ये डिश वॉशर की वजह से हुए हैं तो अभी ठीक नहीं होते हैं? हाँ, डिश वॉशर की वजह से तो नहीं है। ये माँ कितने प्यारे हैं ना, ये हाँ। बड़ी मामा ने ये दूसरी मामा ने भेजे हुए हैं, इरम को भेजे थे। ये कितने प्यारे हैं, ये बिल्कुल पुराने जमाने वाला स्टाइल है। इसमें भी नीचे कौन सा मग लेना पसंद करें? पिंकू में, पिंकू में। और मामा ये देखें, ये नुरैजा आंटी के लिए लेके आई थी ये स्पून, ये ऐसा लेके आई थी आंटी के लिए, प्यारे लग रहे। और साथ में वो ऊपर जो पड़े हुए हैं ना, मल्टी कलर, हाँ ये ऐसा लेके आई थी आंटी, ये लेके आई थी ना साथ में, ये लाई थी ना। ये भी मेजरिंग कप्स है, ये देखिए, हाँ वो अमेरिका से लेके आई थी आंटी के लिए। अभी कोई नाम वाले हो जो उसने दिए थे ना, इरम को पसंद है। आंटी वो बेकर है, हालांकि इरम को नहीं, उसको नहीं पता था। मुझे जरा छोटा चम्मच ला देना। अच्छा आंटी, नहीं आप बैठे, मैं ला देती हूँ। ये आंटी, ये आंटी दे दिया मैंने, नबी आ गए। बड़ा उठा दू फिर यहाँ से, हाँ नबिया की प्लेट में रख देते। चले बेबी जान, आप वेट कर रही है अपनी सिस्टर का। आंटी कौन सी पुडिंग है? क्रोसॉन्स केक, नाइस ब्रेड, सॉरी ब्रेड केक। कितनी प्यारी, हाँ जी मामा, ये आपके घर के लिए खरीदी हुई है। टुगेदर वी मेक फैमिली एंड लिखा हुआ होम, ये एक बैग में डाल दूंगी ना, आवर स्टोरी बिगिंस। शो मी सिंपली खाला, देखो ये कितना प्यारा है, देखे धागे से सारा हुआ है, कील लगा के, जो वहाँ पाकिस्तान में काम करते थे ऐसे। कितना ने नबिया ने, आंटी ने कितना टाइम, बहुत टाइम लगा था ना इन्हें पूरा करने में। अब चाहे ना, नहीं नहीं अम्मा पजल है, वो छोटे छोटे पीस छोड़े हुए हैं सारे, जिग्सो पजल है। अच्छा ये सब चीजें बहुत अच्छी बनी हुई है आंटी, इस लाइट को लगाने से फर्क पड़ता है, शीशे में देखने से फर्क पड़ता है ये लाइट लगाने से। और ये भी कितना अच्छा लग रहा है ना, ये नेक से लिया था, बहुत प्यारा लग रहा है।
बेबी आप मेरे बगैर कैसे रहेंगी? रह लूंगी अल्लाह। अब मैं अपनी बहन के पास आई हूँ तो फिर अब वहाँ भी तो रहना है। हाँ, उनसे मैं अपनी बहन को लाई हुई है। ये देख मैं इधर लिया के रूम में तो आप नमाज अब पढ़ने लगी हैं। ओके, पर आपको जल्दी ही बहुत है, आप नमाज पढ़ने लगी हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। चलो सिमकी खाला अल्लाह हाफिज़। नहीं ये देखिए खाला जान अल्लाह हाफिज़। भाजी इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल परसों। अब बस मामा को बाय बाय अल्लाह हाफिज़ करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ बच्चों के स्कूल। यहाँ ऑब्वियसली मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई हूँ तो मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम गुजरे फिर अंदर जाती हूँ। और हमज़ा को, हमज़ा तो ट्रिप पे गया हुआ है, ईसा को और ज़ेआन को लेके फिर घर चलते हैं। एंड मैंने कुछ पकाया भी नहीं हुआ, आई विल सी कि आज हम लोग क्या डिनर में खाएंगे। और हमज़ा गया ना तो मेरा दिल बड़ा उदास हो रहा है, पता नहीं क्यों। सुबह से मैं इतनी उदास हूँ, इतनी उदास हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दिल ऐसे है जैसे बैठ ही जा रहा है मेरा और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसे क्यों हो रहा है। ईसा भी जब गया था तो थी उदासी, बट इस तरह से नहीं थी। शायद मेरे दिमाग में ये था कि ईसा बड़ा है, अपने आप को संभाल लेता है, पर हमज़ा भी बहुत छोटा है और मुझे कुछ हो ही जा रहा है दिल को। हालांकि सारी क्लास गई हुई है, टीचर्स गए हुए हैं, हेड टीचर भी गई हुई है, लेकिन फिर भी मेरा दिल जो है ना बहुत बैठ रहा है। और मुझे हमज़ा बहुत 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 ज़्यादा याद आ रहा है। अभी उसको गए को 5-6 घंटे हुए हैं पर मेरी ना हालत बुरी हो रही है, पता नहीं मेरी रात कैसी गुजरनी है। मुझे लग रहा है कि मुझे ना सारी रात नींद नहीं आनी है, मैंने सारी रात ना उसी के बारे में सोचते रहना है। तो अल्लाह करे अब मेरा टाइम अच्छा गुजर जाए। अरे अल्लाह, ये गाड़ी मेरे बीच में ही आई जा रही है गाड़ी के। तो अल्लाह करे अब मेरा टाइम अच्छा गुजर जाए, मेरी परेशानी थोड़ी कम हो जाए, होपफुली होपफुली। और बस अब चलते हैं थोड़ी देर में, ज़ेआन को और हमज़ा को लेते हैं और फिर घर चलते हैं। अजीब सा लग रहा है, दो बच्चे आएंगे साथ, एक नहीं होगा। ईसा की आज फुटबॉल भी है, उसे फुटबॉल पर भी लेके जाना है। और मामा भी चले गई हैं आज, ना हमज़ा है ना मामा है। मैं और ज़्यादा मिस करूँगी हमज़ा को भी, और मैंने मामा को भी बहुत मिस करना है। मामा की मुझे आदत हो गई हुई थी, मामा बेचारी मेरे लिए इतना कुछ करती थी, मुझे सुबह पराठा बना के देती थी, मेरा इतना ख्याल करती थी। अब मुझे मामा इतनी याद आ रही है, मामा भी याद आ रही है और हमज़ा भी याद आ रहा है। हमज़ा तो आ ही रहा है याद, मामा को बस मैंने 2 दिन बाद वापस ले आना है अपने पास इंशाल्लाह। बस अब मैं वॉक कर रही हूँ, अंदर चलते हैं, छुट्टी होने वाली हो गई है और ईसा को और ज़ेआन को उठाते हैं। बच्चे घर आ गए हैं और ये आंटी ने मुझे यम्मी यम्मी सा फूड पैक करके दिया था। मिक्स वेजिटेबल्स हैं, शामी हैं और थोड़ा सा ब्रियोश केक है। बस अभी मैं बच्चों को कुछ खाने को देती हूँ, फिर ईसा को फुटबॉल लेके जाना है, फिर वापस आएंगे और फिर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। ट्रेनिंग नो ट्रेनिंग टुडे कैंसल हो गई है, ओनली 5 प्लेयर्स आर अवेलेबल सो दे कैंसल्ड इट। आई डोंट नो सो दे कैंसल्ड इट। ईसा की ट्रेनिंग तो हो गई है कैंसल, तो अब मैं करूँगी आराम से रिलैक्स, चाय पीऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी, नमाजें पढ़ूँगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल बाहर नहीं जाना कहीं भी, घर पर ही हूँ। और कुकिंग का भी कोई मसला नहीं है, बच्चे तो अभी खाना खा रहे हैं, मैंने पास्ता बना के दी है वो खा रहे हैं। रात में कहीं भूख वगैरह लगेगी तो सैंडविचेस वगैरह बना दूंगी। मेरे हजर के लिए आंटी ने मिक्स्ड वेजिटेबल्स बना के दी थी तो हम दोनों वो खा लेंगे। तो ऑल सॉर्टेड, नो काम नो सफाई, कुछ भी नहीं है, अब बस आराम है, आराम है और आराम है। ये बस जो आंटी ने मुझे मिक्स वेजिटेबल्स का सालन दिया था, ये मैं अजहर के लिए गर्म करने लगी हूँ। साथ में यहाँ पे बन रही है रोटी, चिमटा है, रोटी नहीं फूल रही क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा वो शामिल था मार्जरीन आटे में। तो मामा ने मेरे ख्याल से बनाया था पराठा बनाने के लिए आटा,
तो वो पेड़ा यूज़ ही नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा रहा, वो मिक्स हो गया। मुझे लगता है अब दो रोटियां, बल्कि सारी शायद ऐसे बने, दो तीन जो शुरू शुरू से मैंने निकाल ली हैं। साथ में मैंने अचार डाल दिया अज़र के लिए, अभी अज़र को देखती हूँ जितनी देर में अज़र ये गरम गरम रोटी खाएगा उतनी देर में हम बना देंगे। वे इज़ डैडी, उतनी देर में हम एक और रोटी बना देंगे। ये ले अज़र, अज़र ये ज़ियान का पराठा है, उसे दे दें। ये मेरी रोटी भी रहती है, थोड़ा सा बटर लगाया रोटी पे, सालन रखते हैं, चार डालते हैं और आराम से बैठ के खाते हैं। ये रहे फूल, और ये इन फूलों के साथ है मेरा गर्मा गर्म खाना, चोपड़ी हुई रोटी, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, साथ में मामा जो कहती हैं कुतरा हुआ अचार। ये मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। ज़ियान को भी मैंने पराठा बना के दे दिया हुआ है, और ईसा कह रहा है उसने नहीं खाना क्योंकि उसने पास्ता खा लिया हुआ है, तो बस अब मैं खाना खाऊंगी। और टाइम हो रहा है 8:45 होने वाले हैं, 8:50 है ऑलमोस्ट, 9:30 होती है मगरिब की नमाज़, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आराम से चाय पियेंगे और आराम करेंगे। रात को मुझे मामा और हमज़ा इतना याद आ रहे थे, तो मैं बैठी इन लोगों की ये वीडियो देख रही थी कि कैसे हमज़ा मामा की हेल्प करा रहे हैं, चिप्स काट रहे हैं। हमज़ा को बड़ा शौक़ है इन सारे कामों का, हेल्प कराने का। तो ये देखिए, बड़े आराम से मामा के लिए चिप्स काट रहा था ताकि हम चिप्स खाएंगे, मामा को कह रहा था। और उतने ही टाइम में मुझे ये वीडियोस आई हैं, मेरी खाला ने भेजी, जब मैं वहाँ से वापस आ गई तो ये मामा को लेके गई गार्डन सेंटर पे, क्योंकि मामा को फूल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो उन्होंने कहा चलें आज मामा को जाके यहाँ का गार्डन सेंटर भी दिखाते हैं कि यूके के गार्डन सेंटर किस तरह के होते हैं। पाकिस्तान में तो आई थिंक उन्हें नर्सरी कहते हैं। तो मामा को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, उनकी बेटी ने तो खुद कोई फूल वगैरह लगाए नहीं हुए हैं, तो मामा यूँ ही खुश होती रहती हैं। तो ये देखिए, मामा बड़ा इंजॉय कर रही थी यहाँ पे। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़। बाय। अभी जान क्या देख रही हैं? खुशबू नहीं है बस। गुलाब की ना खुशबू नहीं है। वहाँ आगे भी हैं, कितने है ज्यादा हैं। ये देखो काले रंग का भी गुलाब होगा, वो कलर देखो पर्पल गुलाब, कितना खूबसूरत है देखें। हाँ। अच्छा ब्लैक भी होगा, काला गुलाब। हाँ काला गुलाब बड़ा, तो कि इसे मुझे बाबू जी ने ला कर दिया था। ये देखें सामने ट्री अपी का, कितनी खूबसूरत है। मेरा बस चले तो मुझे यहीं जाने दे, और मैं यहीं रह लूँ। सिंपली देखो इसका कलर देखो। हाँ ये देखें किस कदर प्यारा है ना, कितना प्यारा पत्ता है। शहर की मक्खी आ रही है।